हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का पार्ट फोर देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड बना चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एसिड क्लोराइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, और अगर एसिड क्लोराइड के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो क्या क्या प्रोडक्ट देता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले का जो रिएक्शन नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे इनका पूरा डिटेल्स, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारे नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, ये सब हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, मतलब अगर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को एसिड क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनेगा। देखिए क्या है, सो पहले एसिड क्लोराइड क्या, जरा समझो, आर सी ओ सी एल, इसी को एसिड क्लोराइड कहते हैं। और इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं, आर एम जी एक्स को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नॉन एज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे इस जगह पे। अब मैंने बताया था कि ऑक्सीजन में पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है और कार्बन में पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और मैग्नीशियम में पार्शली पॉजिटिव चार्ज, और ये जो R है या अल्काइल, इसे पार्शली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब ये नेगेटिव चार्ज वाला किसके पास अटैक करेगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, आर सी ओ। देखिए पहले से चार था, अब कितना हो जाएगा, छ हो जाएगा, और यह माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी प्लस एक्स, देखिए एम जी प्लस एक्स आ गया। अब यहां से ये Cl है और इधर हम लोग के पास क्या आ रहा है, इसके पास R जुड़ रहा है। ठीक, अब क्या होगा, अब इसके बाद देखिए यहां से ये यहां पे शिफ्ट कर जाएगा और ये टूट जाएगा ऐसे, तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा R C, यहां पे डबल बॉन्ड O R बन जाएगा। देखिए R C ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट कर गया तो डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये देखिए आर नीचे था उसको सीधा करके लिख दे, प्लस क्या एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम जी सी एल एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आर सी ओ आर, ये क्या है, कीटोन है, क्या चीज है, ये कीटोन है, और इसका नाम क्या था, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, एसिड क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, एसिड क्लोराइड, और इसको हम लोग बोलते हैं आर एम जी एक्स को, यह अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, ऐसे इसका नाम देखेंगे, ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है बट इसका नाम क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या बोलते हैं इसको, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बोला जाता है। इसके बाद कीटोन, ये तो कीटोन बन गया, अगर आप इसका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का अगर आप दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिएगा, अभी हमने क्या किया, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का एक मॉलिक्यूल लिए, अगर आप फिर से मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का अगर दो मॉलिक्यूल रहेगा तब देखिए क्या हो जाएगा, सो ये आर सी ओ आर है और प्लस आर एम जी एक्स, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिए, तब क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्सीजन में पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए ये आर इसके पास अटैक कर जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर सी, यहाँ पे छः हो जाएगा, पहले चार था अब छः हो जाएगा, दो दो चार और दो और चला गया, और यहाँ पे साथ ही साथ कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, उसके बाद ये R है, यहाँ पे R जुड़ जाएगा। देखिए ये R C R, R C R, यहाँ पे ये बॉन्ड ऊपर चला गया, शिफ्ट कर गया,
तो यहाँ पे कितना हो गया, पहले से चार था अब हो गया छः, और एक माइनस चार्ज हो गया और ये आर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक, अब ये जब माइनस हो जाएगा तो इसके सामने में कौन आ जाएगा, एम जी प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस करा दोगे एच टू ओ ऑब्लिक एच प्लस हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे ओ जो नेगेटिव चार्ज है इसके पास एच प्लस आ जाएगा, यहाँ से एच प्लस, और जो ओ एच माइनस है यहाँ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये आर सी ओ के साथ एच आ जाएगा, और इधर तो आर था ये भी आर था, प्लस क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा एम जी ओ एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कीटोन है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है। क्या नाम है इसका, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और ये बताए थे इसको बोला जाता है एडक्ट एडिशन प्रोडक्ट, ये एडक्ट हमारा बन गया, और इसका नाम क्या है, देखिए ये तो हमारा टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा, थ्री डिग्री अल्कोहल। देखिए वो है जिस कार्बन से अटैच्ड, इसमें किधर अल्काइल है किधर अल्काइल है किधर, तो ये बन गया थ्री डिग्री अल्कोहल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड है। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये जनरल रिएक्शन देखा, इसमें आर के जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो, और यहाँ पे भी आर के जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, एक्स के जगह पे यहाँ पे बी आर भी ले सकते हैं, ठीक है सी एल भी ले सकते हैं, तब और भी कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। सी एस थ्री सी ओ सी एल प्लस सी एस थ्री एम जी बी आर, देखिए क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम पार्शली पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल में पार्शली नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन में पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन में पार्शली क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है इसके पास अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ, पहले से चार था इलेक्ट्रॉन अब छह हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, उसके बाद इधर से देखिए सी एल है और यहां पे सी एस थ्री। ठीक, अब ये माइनस है इसके सामने ये आ जाएगा एम जी प्लस बी आर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या होगा, यहां से फिर से देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना देगा और ये बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन गया सी एच थ्री सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और पहले चार था छः था अब चार बचेगा, और ये सी एच थ्री यहाँ पे ये जो नीचे ऐसे लिखा था इसको इस तरह से लिख दिया, प्लस क्या हो जाएगा एम जी, और यहाँ पे देखिए यहाँ से सी एल निकल रहा है, एम जी सी एल और बी आर बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप चाहें तो यहीं तक रोक सकते हैं, या अगर आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अगर आप दूसरा मॉलिक्यूल ले लीजिएगा और उसको हाइड्रोलाइज्ड कर दीजिएगा तो फिर हमारा अल्कोहल बन जाता है। देखिए कैसे, ये सी एच थ्री सी एच थ्री सी ओ सी एस थ्री प्लस सी एस थ्री एम जी बी आर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का दूसरा मॉलिक्यूल लिए, तो फिर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैग्नीशियम में पार्शली पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल में पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव वाला इसके पास अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ, कितना हो जाएगा यहाँ पे छः हो जाएगा माइनस, और इधर से सी एस थ्री है और ये सी एस थ्री यहाँ के जुड़ गया, देखिए ये वाला सी एस थ्री यहाँ पे। ठीक है, और ये माइनस है इसके बगल में कौन आएगा, ये देखिए एम जी बी आर बचा हुआ है, ये आ जाएगा एम जी प्लस बी आर हो जाएगा।
ठीक। अब क्या होगा, अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए H2O/H+। तो क्या होगा, जब आप हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो देखिए, हाइड्रोलाइसिस कराइएगा, यहाँ पे वाटर में दो पार्ट होता है, एक H+ होता है और OH- होता है। तो जो H+ होगा वो O के साथ आके जुड़ जाएगा, और जो OH- होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, O के साथ H आ जाएगा, और ये O के साथ H आ जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना दिया, अब चार को इधर बच जाएगा, और इधर से CH3, यहाँ पे CH3 हो गया। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा यहाँ से Mg, और फिर इधर OHBr बन जाएगा, मतलब हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो एसीटोन बना यहाँ हमारा, इसका नाम क्या है, ये है एसीटोन। एसीटोन को जब हम लोग रिएक्शन करा दिए, ये जो एसीटोन है इसको जब हम लोग रिएक्शन कराए किसके साथ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, जो कि क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तो क्या बना दिया, ये बना दिया एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। उसके बाद जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं, तो हाइड्रोलाइसिस कराने से क्या हुआ कि वाटर का जो H+ था वो इस जगह पे आ गया, O के साथ बॉन्ड बना लिया, और जो OH- था या जो मैग्नीशियम प्लस है उसके बगल में OH- आ गया। देखिए, तो ये हमारा बन गया, इसका नाम क्या होगा, देखो 1, 2, 3, तो दूसरा नंबर पे मिथाइल भी और OH भी, इसका नाम हो जाएगा 2-methyl-propane-2-ol, जो कि कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। कैसे जाने कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, तो कुछ नहीं, पहचानने का बहुत आसान तरीका है, OH इस कार्बन से जुड़ा है, और इसे देखिए 3 कार्बन है, एक इधर है, एक इधर है, इधर है, इसलिए ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर 2 कार्बन रहता तो 2 डिग्री अल्कोहल होता, अगर 1 कार्बन होता तो 1 डिग्री अल्कोहल होता। और इसका नाम क्या है, MgOHBr को, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और एक चीज, इसका नाम नहीं लिखे, इसको बोला जाता है एसेटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको, एसेटाइल क्लोराइड, और इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नाम इसका, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये वीडियो को आप पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करता है एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसमें तो MCQ आएगा, इतना हम लोग को डिटेल से एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, बट जब तक आपका कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तब तक आप कैसे MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ MCQ, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। बहुत जल्दी मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।